दोस्तों नमस्कार, टीआरपी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रवि पारिक, आपका दोस्त। दोस्तों, आपके पास जब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और आपका जब उसका प्रीमियम ड्यू आ रहा है, तो याद रखें आपको अपना प्रीमियम ड्यू डेट के पहले भरना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम भरने के लिए ग्रेस पीरियड नहीं होता। आपको जो ग्रेस पीरियड दिया जाता है वो आपको सिर्फ पॉलिसी की कंटिन्यूटी बेनिफिट प्रदान करने के लिए दिया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस में यदि ग्रेस पीरियड में डेथ होती है तो भी क्लेम पेएबल होता है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता। यदि आपने प्रीमियम नहीं भरा है और आपके पास में ग्रेस पीरियड है और आप ग्रेस पीरियड में प्रीमियम भरने वाले हैं, याद रखिए यदि इस ब्रेक पीरियड में, ब्रेक पीरियड का मतलब है आपकी ड्यू डेट का बाद का पीरियड जब तक आपने प्रीमियम नहीं भरा, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेक पीरियड। यदि आपकी पॉलिसी ब्रेक पीरियड में है और आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो वो क्लेम आपका पे नहीं किया जाता। दोस्तों, मैं एक किस्सा यहां पर आपके साथ में केस बताना चाहूंगा। स्टार हेल्थ ने एक स्पेशल कैंपेन किया था फॉर रिन्यूअल ऑफ द पॉलिसीज। तो एक कोई लेडी यहाँ पर रिन्यूअल करने के लिए आई, उसने पॉलिसी का रिन्यूअल कर दिया और उसके 4-6 दिनों के बाद में उसने क्लेम फाइल लेकर आई कि भी ये मेरा क्लेम करना है। वो केस था कैंसर का, जो पॉलिसी के ब्रेक पीरियड के दौरान उसे डायग्नोसिस हुई थी और उन्होंने उसका कोई इलाज कराया था। अब क्योंकि यह कैंसर ब्रेक पीरियड में डायग्नोस हुआ है तो यह क्लेम पेबल नहीं होगा। तो उसकी जो पॉलिसी को कंटिन्यूटी दी गई थी वो भी रद्द कर दी गई। तो दोस्तों याद रखें, यदि आपकी पॉलिसी का प्रीमियम ड्यू आ रहा है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो आप अपने ड्यू डेट के पहले भरना न भूलें। हो सके तो आप उसे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में ऑटो डेबिट के लिए आप पॉलिसी को डाल दें, ताकि आपको पॉलिसी का ड्यू डेट पर प्रीमियम भरने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।